अरे कार्ड नहीं है। क्या है? सोच रहे मैं कहाँ फंस गया आज, मेरी जान को आफत आ गई। और ये अब थक चुका है, आंखें दो अलग अलग चमक रही हैं, दो डेले। ये पहले स्कूल से जाएगी तो एरी को मिलेगी, स्कूल से आएगी तो एरी को मिलेगी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस, दवाइयों का सिलसिला जारी है और लव्या को जो दवाई की डोज दे रखी है वो लव्या पी रही है, और साथ साथ नेबुलाइजर भी बोला हुआ है लव्या को, वो भी कर रही है। तो अभी ये लव्या की फर्स्ट डोज जा रही है और 12 बज चुकी है, ये देख लो। ये इसको तो आजकल नींद इतनी ज्यादा आई जा रही है, पता नहीं दवाइयों का नशा है या क्या है, दिन में भी सो जाती है, सुबह भी लेट उठती है, पता नहीं इसको नींद इतनी क्यों आ रही है। तो गाइज, आपने हमारे ब्लॉग में देखा होगा कि एरी के बाल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और उसको हम यहाँ पे आगे पिन लगाते हैं, कई बार उसकी छोटी सी एक पोनी भी बना देते हैं जिसमें वो बहुत क्यूट सा लगता है। तो हमने अपॉइंटमेंट ले रखी थी, तो भैया आ चुके हैं नीचे नमन की बुआ के फ्लोर पे, तो इसकी आज ग्रूमिंग होगी। तो आज एरी बनने वाला है बकरी। एरी बोल के साथ खेल रहे हैं। कहा है ये? ये रही, ये लिया लिया लिया, बोल लिया बोल लिया। ये बोल ला रहे हैं। मजा आ रहा है बोल साथ खेलने में। एरी कंफ्यूज हो गया। क्यों, क्या कंफ्यूज हो गए? किससे खेलेगा? इनिशियली बॉल मिल गई, ये वन मोर। खुश हो रहे, खुश हो रहे ये। एरी और लव्या, एरी के बाल बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं, ये देखो ये झुंड मचा हुआ है बिल्कुल ही। तो अभी इसकी ग्रूमिंग होगी, सारे इसके बाल कट जाएंगे और आज एरी हो जाएगा गंजा। गंजा पटेल, तेरी खोपड़ी में तेल। आज गंजा हो जाएगा, सारे बाल कट जाएंगे। चलो कटिंग होगी, कटिंग एरी की। ये देखो ये भैया हैं जो अभी इसकी कटिंग करेंगे। ये भाग रहा है एरी। हाँ एरी, क्या हो गया? नहीं जा रहा, ये भैया के पास जा नहीं रहा। अब गया, अब गया, अब कैसे बचेगा, कैसे बचेगा अब? ठीक करती है लव्या। एरी एरी दे दो ना। हाँ, अब इसके ड्रामे देखना ये क्या करेगा। अभी से वो स्टार्ट हो गई है, डर रहा है, डर रहा है। अरे बड़े आराम से करा रहे हैं ये तो। नहीं तो शोर मचाता है। एरी घर का खर्चा तो बहुत शोर मचाता है। हाँ, वैसे नहीं करवाने देता, हाथ नहीं लगाने देता अपने आप को। हाथ नहीं लगाने देता है। एरी कटिंग हो रही है एरी की, सुंदर सुंदर बन जाएगा, स्वादी बॉय बन जाएगा। सारी झाड़ खत्म हो जाएगी आज। नो 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 नो, हिलना नहीं है। बाबू आए, आए कटिंग हो रही है एरी की। एरू हिल मत। A few moments later. अब एरी की कटिंग हो चुकी है और अब नई हो रही है और ये अब थक चुका है, पीछा नहीं छोड़ रहे भैया इसका। थक गया एरी, कह रहा है मुझे छोड़ दो। कितनी देर लगी भैया आपको इसकी कटिंग करते करते? आधे घंटे से ज्यादा लग गया। एरी नई कर रहे हैं, आज बाबू बनेगा। एरी बाबू की कटिंग हो रही है, नुनरुन बाबू बन जाएगा। सोच रहे मैं कहाँ फंस गया आज, मेरी जान को आफत आ गई। बकरी का ड्रायर हो रहा है, अब ये बकरी बन गया डॉग से। एरू एरी आज थक गया, अब ठाट से सोएगा आज दो तीन घंटे। हाँ आज ये सोएगा आराम से दो तीन घंटे, थका दिया आपने भैया इसको। आज ये भैया को गालियां निकाल रहा होगा कि कहाँ फंस गया मैं। तो गाइस अभी हमारा मिट्टू तैयार हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमने एरी का खाना तैयार कर रखा है, बस इसका हो ही गया काम, अब इसको सबर नहीं होगी क्योंकि 1.5-2 घंटे हो गए इसको। तो अब फटाफट आते ही इसको सबसे पहले हम खाना देंगे। और यहाँ देखो ये छोटी बन गई है, बुआ की गोदी पे आ गई है। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अरे यार कह रहे उठा लो, थक गया बहुत देर से। एरी दिखाइयो, कैसा लग रहा है दिखाइयो। एरी दिखा, क्या लग रहा है दिखाइयो, दिखाइयो क्या ये? लंबा लग रहा है, कैसा लग रहा है लव्या?
अब पुच्छी हिलती जाएगी। दिखाइए दिखाना एरी को, बाबू बन गया, नोना बाबू बन गया छोटा छोटा, थक गया ये। लव्या ने ड्यूटी दी है, लव्या बैठी रहेगी है साथ में, है लव्या? लव्या ने पूरी ड्यूटी दी है। A few moments later. तो गाइज अभी शाम की बज चुकी है 5:15 और नमन स्कूल से आके खाना खा के सो गया था और नमन ट्यूशन गया हुआ है 4:30 वाली और लव्या आज भी ट्यूशन नहीं गई है। लव्या कह रही है मैं कल से स्टार्ट करूंगी ट्यूशन जाना और अभी ये उठी है तो इसको भूख लग रही थी तो ये चावल खा रही है। इसके बाद अब इसको फिर दवाइयां देनी है, फिर नेबुलाइजर भी करना है क्योंकि दिन में 4 बार नेबुलाइजर करने के लिए बोला हुआ है। और आपने देखा कि आज एरी की ग्रूमिंग कराई थी, सारी कटिंग नहाना और शैम्पू वगैरह सब हुआ था तो बहुत ज्यादा थक गया था और लव्या अभी कॉन्टिन्यूस नीचे ही बैठी रहेगी बुआ के फ्लोर पे तो ये इसलिए थक गई थी तो आते ही ऊपर ये सो गई और एरी भी अपना खाना खा के सो गया था। तो अभी एकदम मौसम चेंज हुआ और इतना प्यारा मौसम हो गया है, बारिश हो गई है बहुत तेज, मैं आपको बारिश दिखाती हूँ। मतलब जो व्यू है ना बहुत ही बढ़िया हो गया है, मौसम जो है बहुत ही बढ़िया हो गया है। मेरा इतना मन था बारिश में नहाने का, तब से बारिश नहीं आया, जब से मैं तबियत खराब हो गया। हाँ तो अभी नहीं नहाना बारिश में क्योंकि ये बेटे मौसम ऐसे ही होता है कि बारिश आ जाती है कभी कभी, धूप निकल आती है एकदम से ही। तो अभी आपने कुछ नहीं नहाना बारिश वगैरह में जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं होते। नहीं अभी नहीं नहाना, जल्दी जल्दी खा भी, मैं तेरे को नेबुलाइजर भी करूंगी। लव्या गाइस देखो बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है, जबरदस्त बारिश आ रही है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो एरी ऊपर आ गया और ये देखो, कमेंट करके बताना एरी कैसा लग रहा है। एरी बकरी बना दिया, एरी इतना स्मॉल सा लग रहा है लेकिन वैसे क्यूट सा लग रहा है। हाँ नमन तेरे को कैसे लग रहा है एरी कटिंग कराने के बाद? बकरी। लव्या तेरे को कैसे लग रहा है एरी? बेकार लग रहा है एरी, तेरे को सारे कह रहे बेकार लग रही है, हमारा एरी लग ही नहीं रहा, कैचे कल दिए बाल चारे छोटे छोटे कल दिए है ना, मासूम सा बना दिया इतना। अभी काटेगा बाल, देखिए छोटे छोटे हो गए इसके, अभी इसको परेशान करो अभी काटेगा। यहाँ से तो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे हैं और ये मुंह के तो ये कानों के मुंह के काटते नहीं है एरी ने, गंदी बात। ये देखिए लव्या को काटे, लव्या तू जा नेबुलाइजर कर ले, लव्या जल्दी कर। एरू एरू कैचा लग रहा है कटिंग कराने के बाद, आंखें दो अलग अलग चमक रही हैं, दो डेले ये आंखें अलग से चमक रही है, बाल कम हो गए ना फेस पे। एरी देख दीदी क्या कर रही है, चल चल नेबुलाइजर कर ले, लव्या क्या कर रही है। तो गाइस यहाँ पर लव्या को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक चढ़ गया है और ये नेबुलाइज कर रही है और न्यूज़पेपर पढ़ रही है। अच्छे से कर बेटा अच्छे से कर, और देख एरी कहाँ घुस गया, एरी कहाँ घुसी जा रहा है तू, वही तो भी कर क्या रहा है एरी। और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो गाइज लव्या को ये तंग कर रहा था, नेबुलाइजर करने नहीं दे रहा था, बार बार जा रहा है देख रहा है कि दीदी क्या कर रही है। और ये देखो मैंने इसको अपनी गोद में ले ली है, अभी आराम से बैठा है। एरी दीदी क्या कर ली है, दीदी की तबीयत खराब है, अब देख लो ये कह रहे हैं गोदी से उतार दे, कह रहे गोदी छोड़ दो मेरे को। और ये देख रहा है, ये देखो आवाज आई है नेबुलाइजर की तो देख रहे कि क्या हो गया। एरी बाबू जा ले जाए इसको घूमी घूमी कराया, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और ये तो नेबुलाइजर किया है तो देखिए वैसे ही फेंक दिया, इसको उठा के समेट के रख दिया। आपकी ड्यूटी है। अच्छा मेरी ड्यूटी है नेबुलाइजर तू कर रही है, अच्छा नेबुलाइजर तू करे और उठा के मैं रखूंगी, चल मैं रख दूंगी, जा जा इसको ऊपर ले जाओ, जाओ एरी ऊपर घूमी करके आओ, एरी घूमी करके आओ घूमी। तो अभी हम ऊपर आए हुए हैं टेरेस पे और अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, एरी और लव्या ने जुगाड़ कर दिया है मैट के नीचे बैठ गए, बारिश नहीं आ रही लव्या। मैंने दिखा दिया मैं कैसे लग रही, मैंने टॉवल ओढ़ रखा है, अम्ब्रेला मिला नहीं तो मैंने जल्दी जल्दी में टॉवल ही ओढ़ लिया। चल जल्दी बारिश बहुत तेज हो गई है, चल 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 मैं भीग जाऊंगा, नहीं नहीं भीगती जल्दी। तो गाइज यहाँ पर लव्या बना रही है फ्रेंडशिप डे का कार्ड और ये देखो कार्ड मेरे में कोड्स लिख रही हूँ,
क्या लिख रही है? कोट्स लिख रही है, लेकिन कार्ड तो बना रही है ना साथ में। ये क्या बना रही है? मिनी मिनी है। अच्छा, लेकिन कार्ड पे ही तो कोट्स लिखी जाती है। अरे कार्ड नहीं है, क्या है? ब्रोशर है, ब्रोशर। दिखा, अच्छा दिखा तो सही, अच्छा दिखा तो सही, फिर क्या है? नहीं दिखा तो किसको देगी तू? त्रिशा, त्रिशा के लिए बना रही है। और ये देखो, एक बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे सोया पड़ा है। जहां जहां लव्या वहां वहां एरी। लव्या और एरी एक दूसरे के साथ ही रहते हैं ना। ये देखिए, इस बेचारे को नींद आ रही है, लेकिन ये लव्या के पास ही सोया पड़ा है। सुने थे सुने थे सुने थे, उसको गहरी नींद आ रही है। आज ज्यादा थक गया ना, आज ज्यादा थक गया ये। गाइज, लव्या और एरी की दोस्ती पक्की है। लव्या भी नहीं रह पाती एरी के बिना। ये पहले स्कूल से जाएगी तो एरी को मिलेगी, स्कूल से आएगी तो एरी को मिलेगी, और एरी भी इसके बिना नहीं रह पाता। लव्या की आवाज सुनते ही दौड़ा आता है ऊपर है ना। ये देखो, सोएगा भी इसके पास ही, और तेरे को काटेगा भी सही। इसको गुस्सा आता है तो, है ना प्यार भी करता है, काटता भी है। ये देखो, चिपका पड़ा है बिल्कुल लव्या के साथ ही।